गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में अभी एक गेम लॉन्च होने वाला है जो कि इंडिया की खुद की एक गेमिंग कंपनी है एनकोर, उसकी तरफ से आने वाला है, जिसका नाम है फौजी। और आप अगर फौजी गेम के बारे में जानते हैं तो आप भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कैसा गेम आपको देखने को मिलेगा और कब आप उस गेम को अपने फ़ोन के अंदर खेल पाएंगे। तो यहाँ पर गाइस, हाल ही में एक रिलीज डेट से रिलेटेड यहाँ पर एनकोर कंपनी ने एक यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है, उसी के रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके साथ ही यहां पर हम बात करने वाले हैं इस गेम के अंदर कैसे कैसे फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के हमारे इस वीडियो में। इसी के साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज हमेशा देखने को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी वीडियो। तो गाइस, हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि एनकोर कंपनी ने अपने इस फौजी गेम का ऑफिशियल टीज़र भी लॉन्च कर दिया है। लेकिन उस टीज़र के लॉन्च होने के बाद में काफ़ी लोगों ने देख के यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स किए, जहाँ पर उन लोगों ने बताया कि उन लोगों को ये गेम के ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे नहीं लगे। मतलब यहाँ पर उन लोगों ने नेगेटिव वे में इस गेम को लिया है कि यहाँ पर पबजी तो छोड़िए, गैरेना फ्री फायर के साथ में भी इसका कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता, इतने गंदे ग्राफिक्स हैं। ऐसा काफ़ी सारे कमेंट्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाए। यहां पर बात इसीलिए ये बढ़ रही है क्योंकि यहां पर जो विशाल गोंडल सर हैं एनकोर कंपनी से, उन्होंने यहां पर काफी टाइम पहले ये बताया था कि उनके पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम है जो कि अच्छे अच्छे गेम्स को डेवलप करती हैं, और वो काफी अच्छे ग्राफिक्स के साथ में इस गेम को भी डेवलप करके आप सब लोगों के लिए लेकर आएगी। लेकिन जब यहां पर इसकी टीजर को देखा जाता है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि टीजर के अंदर भी अच्छे ग्राफिक्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर गेम आएगा तो कैसे बात होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए सब कुछ सस्पेंस में है। लेकिन यहां पर इसको थोड़ा नेगेटिव ना लेकर थोड़ा पॉजिटिव लेते हैं और यहां पर उन लोगों को एक चांस देते हैं, क्योंकि यहां पर अगर आप पबजी की बात करते हैं कि अब उसके इतने अल्ट्रा ग्राफिक्स हैं और काफी एचडी ग्राफिक्स हैं, तो यहां पर बात करें पबजी को कि पबजी जब 2017 में लॉन्च हुआ था तो उसके ग्राफिक्स भी कोई ज्यादा खास नहीं थे, लेकिन डे बाय डे अपडेटेड होता गया गेम और आज उसके इतने अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गेम बन चुका है पबजी मोबाइल। तो यहाँ पर हमको एक इंडियन होते हुए इस कंपनी को चांस देना चाहिए। आने वाले टाइम में आप भी हो सकता है कि इस गेम को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कर दें और काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाए। अब टीज़र की बात को ख़त्म करते हुए यहाँ पर बात करते हैं कुछ फीचर्स की इस गेम के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर इस गेम के अंदर आपको बैटल रॉयल और मल्टीप्लेयर का जैसा ऑप्शन देखने को मिलेगा या नहीं। जैसे आप पबजी में अपने फ्रेंड के साथ में मल्टीप्लेयर गेम खेलते थे, मतलब आप चार लोगों के ग्रुप में खेल सकते थे, सोलो खेल सकते थे और आप दो लोग भी खेल सकते थे, तो वैसे यहां पर आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे या नहीं। इसी के साथ में बैटल रॉयल गेम होगा या नहीं होगा। तो यहां पर बात करें कि कंपटीशन की, तो यहां पर सीधा-सीधा कॉम्पीट किया जा रहा है इसको पबजी गेम के साथ में, तो ये फीचर्स तो डेफिनेटली देने चाहिए, अदरवाइज कंपटीशन किस बात का होगा। तो यहां पर जहां तक है अभी तक यही सोचा जा रहा है कि यहां पर इसको इसके अंदर आपको मल्टीप्लेयर और बैटल रॉयल जैसा फीचर भी देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू आप इस गेम को पबजी की तरह ही खेल पाएंगे और पूरा पबजी वाला एक्सपीरियंस भी ले पाएंगे इस गेम के अंदर। अब बात करें इस गेम में किस तरीके के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपको टीज़र देखने के बाद में पता चल गया है कि यहाँ पर अभी जो फर्स्ट लेवल यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो गलवान घाटी से रिलेटेड है। मतलब जो इसका बेटा वर्जन आएगा उसमें गलवान घाटी से रिलेटेड ही लेवल आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया चाइना के बीच में अभी जो फाइट हुई थी उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर इंडिया आर्मी के सोल्जर्स, कुछ चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स, उनके बीच में फाइट होगी, कुछ हेलीकॉप्टर्स दौड़ते हुए दिख रहे हैं आपको टीजर में। तो इस तरीके के कुछ लेवल होंगे और आने वाले टाइम में जो लेवल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे वो भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड ही सारे के सारे लेवल देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी इंडियन आर्मी के लिए कुछ प्राउड फील करेंगे और आपको यह भी पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है सर्वाइव करना और कितना मुश्किल होता है विन होना। तो यहां पर यह सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी और इंडियन आर्मी ने जहां जहां फाइट की है उसी को ही अलग अलग लेवल के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस गेम के अंदर। इसके बाद में अगर बात करें यहां पर वेपन्स की, तो यहां पर किस किस तरीके के वेपन्स मिलेंगे ये भी एक क्वेश्चन है इस गेम से रिलेटेड। तो यहां पर आपको अगर बात करूं वेपन देखने की,
तो यहाँ पर जैसे गलवान घाटी वाला जो लेवल होगा उसमें हो सकता है कि आपको वेपन्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी वेपन्स के साथ में फाइट नहीं होती हैं। इसीलिए यहाँ पर आप इसके टीज़र में भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी वेपन्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर किकिंग हो रही है, बॉक्सिंग हो रही है, लेकिन वेपन्स किसी के हाथ में नहीं है। इसके साथ में अगर लेवल चेंज होता है और कोई और आपको नया लेवल देखने को मिलता है तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको अलग अलग तरीके के वेपन्स देखने को मिले। इसी के साथ में यहाँ पर बीच में कुछ अनाउंसमेंट भी हुई थी कि अगर इस गेम के अंदर कोई वेपन्स को यूज़ किया जाएगा तो वो इंडियन आर्मी जो जो वेपन्स को यूज़ करती हैं उन्हीं वेपन्स को इस गेम के अंदर दिखाया जाएगा, ताकि आप एकदम रियल एक्सपीरियंस ले सके इंडियन आर्मी का। साथ में ही यहाँ पर आपको टैंक और जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, और इसके साथ में हो सकता है कि आप कुछ स्नाइपर वगैरह भी यूज़ कर सके इस गेम के अंदर, जो कि एक आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। इसका ऑफिशियली कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है, वो तो सब कुछ जब गेम रिलीज होगा उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर लास्ट में बात कर लेते हैं इस गेम की रिलीज डेट के बारे में। तो यहाँ पर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट एनकोर की तरफ से की गई है इस गेम के रिलीज डेट के लिए, जो कि यहाँ पर उन्होंने बताया है कि नवंबर 2020 के अंदर इस गेम को वो लॉन्च करने वाले हैं। अब डेट उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी डिक्लेयर नहीं की है कि वो कब रिलीज करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप अगर बात करें इसके टीजर की तो इसको लॉन्च किया गया है अक्टूबर के लास्ट वीक में, लेकिन यहाँ पर गेम रिलीज की बात करें तो हो सकता है कि नवंबर के लास्ट वीक में हो या फिर 15 तारीख से 30 तारीख के बीच में हो जाएगा नवंबर मंथ के अंदर। तो ये भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि काफ़ी सारे गेम इन्हीं डेट के बीच में रिलीज़ किए जाते हैं, तो इस गेम को भी उसी टाइम रिलीज़ किया जाएगा। तो ये मान लीजिए कि आपको 30 नवंबर से पहले तो ये गेम आपके फ़ोन के अंदर मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, तो हो सकता है ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने को मिले, और हो सकता है कि ये एनकोर की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकें। तो इन सब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स मुझे मिलती रहेगी मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपको बनाकर बताता रहूँगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, ताकि आपको इस गेम से रिलेटेड या फिर कोई और भी नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, और साथ में ही यहां पर मेरे को जरूर से बताइएगा कि फौजी का जो ऑफिशियल टीजर आपने देखा है वो आपको कैसा लगा। एकदम सच्ची वाला बताना है, कोई भी यहां पर झूठ नहीं बताना है। इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चंस है आपके इस गेम से रिलेटेड या फिर कोई और वीडियो से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई दे दूंगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।